हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं मृणाल और हमारे साथ है मारुति की मेरी फेवरेट कार स्विफ्ट। और स्विफ्ट इस बार सीएनजी के अवतार में मिलने वाली है, तो मारुति ने रीलॉन्च कर दिया है स्विफ्ट को सीएनजी में। 2 साल पहले भी किया था और अब वापस से आ गया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बोल सकते हो पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, दोनों पर बात करेंगे। एंड फ्रॉम अ बायस पर्सपेक्टिव, आज मैं उस माइंडसेट से आया हूँ कि आज मैं एक गाड़ी खरीदने वाला हूँ, तो अगर मेरे को ये गाड़ी खरीदनी रहेगी तो क्या मैं खरीदूंगा, क्या मेरे को और क्या ऑप्शंस दिमाग में चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ से शुरू करते हैं, जो कि है इसका माइलेज। माइलेज 32.5, आई मीन ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलने वाला है, जो कि सबसे अच्छा माइलेज है इस सेगमेंट में। एंड इंजन की अगर बात की जाए तो 3 सिलेंडर इंजन है, बट पावर प्रोड्यूस करता है 70 PS एंड 100 NM ऑफ टॉर्क। पेट्रोल काउंटर पार्ट वहीं पर 80 PS और 110 करता है, तो 10 PS एंड 10 NM कम है पावर। इंजन खोल करके आपको चेकआउट कराते हैं एंड कैसा आवाज़ करता है वो भी सुनाते हैं। तो ये हो गया इंजन ओपन। इंजन बे में आप देख सकते हो नीटली इंटीग्रेटेड इसका इंजन है, एकदम क्लीन लग रहा है। नई नई कार का इंजन देख के ही अलग मज़ा आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। 3 सिलेंडर है बट स्टिल फुल वाइब्रेशन नहीं है एंड आवाज़ भी साइलेंट है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, क्योंकि इंसुलेशन वगैरह भी दिया हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो देखो कहीं ना कहीं मारुति पहले से और बेटर कर रही है खुद को। मेरे पास ऑलरेडी एक स्विफ्ट थी 2016 में और अब देखो आप यहाँ पे कितने अच्छे से ये रबर यूज़ किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं आता था पहले यहाँ पे। NVH को भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे थोड़ा डैम्पिंग यूज़ किया गया, तो अच्छी चीज़ है। ओवरऑल क्वालिटी भी लग रहा पहले से डेफिनेटली बेटर हो चुका है। बंद करते हैं और अच्छे से नाइसली ये क्लोज हो चुका है और आवाज़ नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना तो बहुत ही कम आवाज़ है। अगर यहाँ पे तो फिर भी बंद है ये एरिया, अगर मैं रोड पे खड़ा हूँ तो शायद ये मेरे को लगेगा गाड़ी ऑन ही नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन था, अभी ये गाड़ी CNG मोड पे है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन अगर आप देख पा रहे होगे और जो आवाज़ है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। पेट्रोल पे स्विच करते हैं तो एक क्लिक साउंड होगा एंड पेट्रोल पे होगी। अब पेट्रोल पे स्विच हो गई है तो कंपैरेटिवली थोड़ा अब साइलेंट भी है और वाइब्रेशन भी कम है। और बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखोगे आप तब समझ पाओगे, अदरवाइज ये उतना फील नहीं होगा आपको। तो वापस आते हैं, वेरिएंट एंड प्राइसिंग पे बात करते हैं। आप अगर देख रहे हो तो आप कौन से वेरिएंट को पिक करोगे? मोस्टली जब CNG लोग लेते हैं तो बेस मॉडल लिया करते थे, बट यहाँ पे LXi वेरिएंट में नहीं आता है। बट पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरर्स CNG प्रोवाइड करते थे, बस बेस ही मॉडल में देते थे। तो उससे क्या होता था कि CNG वाले भी अच्छा फीचर्स इंजॉय करना चाहते हैं यार, तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था, वेरिएंट और CNG वाला ऑप्शन का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनता था। लेकिन अब ये बात का टेंशन नहीं है क्योंकि VXi ऑप्शनल, ZXi, 3 वेरिएंट में आपको CNG मिल जाने वाला है। और प्राइस स्टार्ट हो जाता है VXi का 8,20,000 एंड जो टॉप मॉडल है जो कि ZXi अभी हमारे साथ है, ये 9,20,000 एक शोरूम प्राइस है इसका। तो क्या कुछ इसमें आ जाता है वो दिखा देता हूँ। DRLs आता है, LED लैंप्स आते हैं, एक बार लाइट ऑन कर सकते हैं तो ये देख सकते हो आप DRL एंड लाइट्स भी LED है। फॉग लैंप नहीं आता है ZXi वेरिएंट में। बट अब आते हैं साइड में, टायर्स देखते हैं। टायर्स ब्रिजस्टोन का है, टायर साइज हमें मिल जाता है 185 65 R15 एंड ये अलॉय व्हील्स के साथ आता है। जो ZXi ऑप्शनल है इसके भी ऊपर वाला है, उसमें आपको डायमंड कट अलॉय मिलेगा, तो उसमें अच्छा थोड़ा और अलॉय इन्हांस लगता है, ड्यूअल कलर पैटर्न में मिलता है। तो ओवरऑल कार अगर आप देखोगे ना तो आपको प्यारी सी लगने वाली है, छोटी सी मिनी कूपर टाइप का डिज़ाइन एलिमेंट, कहीं कहीं पे लोग बोलते हैं एस्टन मार्टिन टाइप का, वो जो बड़ा सा यहाँ पे ग्रिल है वो एस्टन मार्टिन इंस्पायर्ड लगता है। हेडलाइट तो इतना पसंद आ गया लोगों को कि मैसेराटी ग्रेकाले के इवेंट में मैं गया था और ग्रेकाले को देख करके लोग बोल रहे हैं स्विफ्ट है स्विफ्ट है। तो नो डाउट एक अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। दोनों का प्राइस सेगमेंट अलग है, दोनों गाड़ी दोनों का पर्पस अलग है, बट एनी विच वेज द कार लुक्स रियली नाइस, लुक्स वेरी क्यूट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो शोल्डर बेल्ट लाइन रन कर रहा है। तो ओवरऑल रिव्यू हमारा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है जिसमें आप डिटेल में देख सकते हो, इंटीरियर एक्सटीरियर कवर किया है हमने, वो सब देख सकते हो। मीनवाइल प्रवीण भाई अंदर इंजॉय कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि अंदर का सीट कम्फर्ट कैसा है। प्रवीण सीट कम्फर्ट कैसा लग रहा है? सीट कम्फर्ट बहुत अच्छा है, बैठते ही मैं समझ आ गया था कुछ वो 20-25 लाख वाली गाड़ी में अभी तक नहीं। एक तो फैब्रिक है, ऊपर से ये साइड सपोर्ट इतना अच्छा है ना, लग रहा है सीट मेरे लिए बनी ही थी यार। ये बात मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है स्विफ्ट के बारे में, क्योंकि स्विफ्ट के सीट के बारे में कभी किसी ने कोई भी
बंदा मेरे को नहीं लगता है किसी ने कंप्लेन किया होगा पहले भी और अभी भी, तो अभी भी सीट अच्छा है, ZXI मॉडल है जैसा मैंने आपको बताया। तो CNG और पेट्रोल में कैसे स्विच करना है प्रवीण? यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है जैसा कि बेसिकली सारे CNG और पेट्रोल वाली गाड़ियों में मिलता है, यहाँ पे स्विच मिलेगा आपको। ठीक है, और एक बार हम इसे स्टार्ट करके देख लेते हैं। बिल्कुल, प्रेस करके स्टार्ट किया मैंने। नाइस, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाता रहता है पेट्रोल, अभी देखो लिखा हुआ है ना पेट्रोल, तो यहाँ पेट्रोल का मिल जाता है। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा तो जो वैल्व है वहाँ पीछे वो खट से आवाज़ करता है, उससे भी आप समझ सकते हो ये खट से आवाज़ हुई, CNG पे आ गई। और दोनों का अलग अलग गेज भी दिया हुआ, देखो CNG फुल है ऑलमोस्ट और पेट्रोल खाली रखा गया है। CNG और पेट्रोल में रेंज एंड माइलेज भी दिखाता है अगर यहाँ से हम स्टॉक को प्रेस करें तो। चेंज हो हाँ, ये पेट्रोल का है, ये ट्रिप्स हो गया एंड राइट साइड से आपको, अभी हम लोग CNG मोड पे हैं तो कोई रेंज और एवरेज नहीं दिखाएगा, बट एक बार स्विच करेंगे पेट्रोल में या नीचे से और स्विच, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, स्विच यहाँ से करेंगे हम लोग। अच्छा, ये स्विच हाँ, अब हाँ। रेंज दिखा रहा है। हाँ, रेंज दिखा रहा है, पेट्रोल तो 10 किलोमीटर का ही बचा है। ओके, और एवरेज भी दिखा रहा है, तो कुछ ऐसा सा लेआउट है अंदर, बाकी सब तो सेम है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है, हमने रिव्यू कर रखा है इसे। बिल्कुल, और इसमें ZXI है तो एसी कैसा आ रहा है? ऑटोमेटिक एसी है? हाँ, एसी वगैरह यहाँ पर पूरा ऑटो है, बीच में बटन है, दबा दो। नाइस। और एक चीज़ थोड़ा वो था कि ये तो पेट्रोल खोलने का हो गया, पेट्रोल टैंक का, ये हो गया आपका फ्रंट बोनेट खोलने का। ठीक है, CNG खोलने का मृणाल भाई? भाई इसमें ना लोग दूसरी चाबी देने में इतना टाइम लगा दे रहे हैं, मैं मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप अगर तेज हो तो आप जानते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लोग दूसरी चाबी देने में इतना टाइम लगा रहे हैं, यहाँ मारुति 3-3 चाबी दे रहा है, चाबी दो भाई। ये देखो, मैं कंफ्यूज हो गया था कि 3-3 चाबी, अब ये कंफ्यूज मत होना आप कि ये अलग सा चाबी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो नॉर्मल चाबी आता है ना इसके अंदर आप ओपन कर सकते हो, देखो ऐसे करके ओपन करोगे तो सिमिलर है, सेम है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि चाबी मिल रही है अलग से, तो बार बार आप इसको निकाल के खोलो वो उतना प्रैक्टिकल नहीं बनता, तो आप एक चाबी घर पे रख दो और ये दो चाबी को अपने साथ कैरी कर सकते हो, एंड जब भी आपको फ्यूल एक बार रिफिल कराना है पीछे आओगे। एंड एक और बहुत अच्छी चीज़ है, गाड़ी स्टार्ट है ना, स्टार्ट रहने दो, गाड़ी स्टार्ट है, अगर मैंने इसको खोला तो क्या होगा ये देखना आप, ब्लास्ट होगा, गाड़ी ऑफ हो चुका है। ठीक है, गाड़ी बंद हो गया, मतलब इस चाबी से गाड़ी बंद हो जा रहा है, यहाँ से गाड़ी बंद हो जा रहा है, तो ये एक अच्छा चीज़ है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक वाल्व देखोगे आप जो कि प्रेस्ड है, तो जब ये प्रेस्ड रहेगा ना, नीचे वाल्व है, तो जब मैंने ये लॉक कर दिया तब तो वो प्रेस्ड है, अब तो गाड़ी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रेस्ड नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं इसको खोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं अपने पास रख ले रहा हूँ, प्रवीण भाई को चाबी दे दिया, भाई स्टार्ट करके देख लो। नहीं होगी ये स्टार्ट, तो पेट्रोल मोड है फिर भी नहीं हो रही है। पेट्रोल मोड है, स्विच तो इस पर होगी नहीं। हाँ, मैं एक बार करने की कोशिश। नहीं, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ लगा मेरे को, एंड इसके लिए मैं थम्सअप देना चाहूँगा, क्योंकि लगा के फिर करें। हाँ, तो इसको लगा दो, लेकिन चाबी लगेगा इसमें लॉक करने के लिए वो, तो इसको एक बार लॉक कर दिया, लॉक्ड है, अब चाबी देखो, चाबी इनको दे दिया, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, इसके लिए थम्स अप बनता है। कहना चाहूँगा मृणाल भाई कि ये जितनी इम्पोर्टेंट ये दो चाबी हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये चाबी लग रही है। सही में तो ये एक अच्छा फीचर लगा मेरे को, तो अब जब ये देख ही लिए हैं एक अच्छी चीज़, तो मेरे को एक और चीज़ काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे टेल लैम्प्स वगैरह जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी अच्छा है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, ऐसा लग रहा है कि आपने मॉडिफाई करा रखा है, तो लाइट्स का क्वालिटी बहुत अच्छा है, साथ में यहाँ पे आपको पीछे वाइपर, वॉशर, डिफॉगर ये सब आ जाने वाला है, थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि स्विफ्ट जब लोग लेते हैं ना तो उसे मॉडिफाई कराते हैं, उसे स्पोर्टी लुक देते हैं, तो यहाँ पे अगर स्पॉयलर भी होता तो और मज़ेदार होता, बट ZXI में नहीं आता है, और भाई मैं तो अपने वाले में करा के रखा था। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरी पुरानी वाली थी तो उसमें मेरे को ओपन करना पड़ता था चाबी डाल के, तो यहाँ कोई चाबी डालने का ज़रूरत नहीं है, i20 Elite i20 भी थी एक मेरे पास, तो उसमें ऐसे बटन नीचे प्रेस करता था एंड ये बटन से ओपन हो जाता था, तो कितना अच्छा हो चुका है, मतलब मारुति पहले से इवॉल्व कर गया है और ये देख करके अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देख करके मुझे दुख भी हो रहा है। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट में,
एंड बूट स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे रूम जनरेट हो पाए, स्पेस जनरेट हो पाए. बट यहाँ पे एज सच स्पेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. एंड प्रवीण भाई लेकर के आ चुके हैं बैग, तो एक टेस्टिंग भी हो जाएगा. अगर आपको ऐसा बैग रखना है इस साइज़ का तो डेफिनेटली आ जाएगा. बट अगर आपको बड़े बैग्स रखने हैं, लगेज बैग्स रखने हैं, तब आपको दिक्कत होने वाला है. प्लस यहाँ पे एक चीज़ कट डाउन भी किया गया है, यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलने वाला है. तो स्पेयर व्हील के जगह पे आपको एक टूल किट मिल जाता है जिससे आप अपना टायर रिपेयर कर सकते हो. एंड सीन क्या होता है इसका, सिंपल है. इफ़ इन केस कहीं से लीकेज है तो आपके टायर के वाल्व पे आपको ये सीलेंट डालना है, ठीक है, इसको कनेक्ट करना है एंड एयर प्रेशर ऑन कर देना है. तो ये MG के कॉमेट में भी हमने देखा है, MG के विंडसर में भी अब यही आ रहा है. तो ये कितना प्रैक्टिकल है आप बताना कमेंट सेक्शन में, आप प्रेफर करोगे नहीं करोगे. वैसे ये इट वर्क्स. अब आ जाते हैं बूट स्पेस की बात करते हैं. तो बूट स्पेस यहाँ पे मैक्सिमाइज नहीं हो पाया, बट एक चीज़ अच्छा है, लाइट्स मिल जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग. एक और चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ना मारुति इज़ द ओनली मैनुफैक्चर जो ये चीज़ दे रहा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे आपको एक वॉल्व मिल रहा है नीचे, तो दिस इज़ द मैनुअल कंट्रोल वॉल्व, मैनुअली आप कंट्रोल कर सकते हो. एंड ऊपर जो है ना ये इलेक्ट्रिकली वॉल्व, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल वॉल्व है, जो आपने देखा सेफ्टी फीचर, गाड़ी बंद हुआ तो खुद ही ये वॉल्व शट कर दिया और गाड़ी बंद हो चुका था. तो CNG कहीं से भी लीक नहीं करेगा, ये एक अच्छा चीज़ मेरे को लगा. माइलेज अच्छा है ही, 35 किलोमीटर पर kg आपको मिलने वाला है, वो खुद में ही एक अच्छा चीज़ है. 78-79 रुपीज़ पर kg आपको CNG पड़ रहा है. एंड वहीं पर पेट्रोल अगर आप लो तो 95-100 रुपीज़, 95 मान लो, 95 के अराउंड आपको पड़ रहा है या 100 रुपीज़ मान लेते हैं, तो 25 रुपये का तो वहाँ पे गैप है, प्लस माइलेज भी ज़्यादा है. तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बन करके आ रहा है. बट चलते हैं आप कंक्लूजन पे और देखते हैं अगर मेरे को ये गाड़ी लेना होगा तो क्या मैं लूँगा, या और कोई कंपटीशन है जिसके ऊपर मैं एक बार को सोचूंगा. प्रवीण भाई ने बोला फायर एंड सेफ्टी वालों को भूलना नहीं है, और मारुति ने भी नहीं भूला है, इसीलिए यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है. साथ में आपको 2-3 चीज़ें और है. तो इफ़ इन केस आपकी टायर कभी पंचर हो गई तो टायर रिप्लेस करना है. सपोज करो कि आपको, आपने सोचा कि एक टायर ले ही लेते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर स्पेस भी है जहाँ पे टायर आप रख सकते हो, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट खड़ी हो जाने वाली है टायर, ठीक है, स्ट्रेट यहाँ पे जगह बना हुआ है. मगर अगर नहीं ख़रीदा आपने और टायर कभी चेंज करना हुआ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जैक एंड टूल किट, इसके अंदर है फर्स्ट एड किट है एंड साथ में वार्निंग ट्रायंगल है. तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है. एंड आप चलते हैं कंक्लूजन पे, डिसाइड करते हैं क्या ये कार मेरे लिए फिट बैठ रही है, या और कोई कार मेरे दिमाग में चल रही है शायद मैं उसके साथ चला जाऊँ. आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए इस पर चलते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे. तो क्या ये कार मैं लूँगा, अगर आपको मारुति बहुत पसंद है एज अ ब्रांड, उसकी सर्विस क्वालिटी आपको बहुत पसंद है, आफ्टर सेल सर्विस, रीसेल वैल्यू बहुत पसंद है, आपको माइलेज एक आपका प्रायोरिटी है, फिर तो भाई स्विफ्ट बनता है. लुक्स अगर आपको इस टाइप की लुक्स पसंद है, थोड़ा स्पोर्टी आप बना सकते हो इसको, थोड़ा मॉडिफाई करा सकते हो, देन इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर इट. अगर आपको लगता है कि आपको सेफ्टी और चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में फैमिली ज़्यादा है और 3-4 लोग साथ में ट्रैवल करते हैं, स्पेस चाहिए और प्रैक्टिकलिटी वाइज स्पेस थोड़ा और जनरेट करना चाहते हो, तो आप टियागो के साथ जा सकते हो. अगर आपको चाहिए कि इन दोनों का मिक्सचर हो, मतलब सेफ्टी फीचर, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस एंड साथ में प्रैक्टिकलिटी भी, आपको बूट स्पेस भी अच्छा चाहिए, देन आप ह्यूंडई के साथ जा सकते हो, नायोस के साथ जा सकते हो. अगर मेरे को जाना रहेगा तो मेरे को पर्टिकुलरली डिज़ाइन टियागो की इतनी पसंद नहीं आई, मेरे को डिज़ाइन उतनी नायोस की अच्छी है, मतलब नायोस और इसके बीच में मैं कन्फ्यूज़ रहूँगा, बट डिपेंड करेगा सर, बट इन दोनों के बीच में मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, शायद से मैं इसे ले लूँ, क्योंकि स्विफ्ट से अलग अटैचमेंट है, मारुति से अलग अटैचमेंट है. आपको भी अगर है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी मारुति के साथ. कमेंट में ये भी बताना आप इन तीनों गाड़ी में से कौन सी कार चूज़ करोगे, क्या आप थोड़ा सा और पैसा लगा करके और एक सेगमेंट ऊपर चले जाओगे, नेक्सॉन पे चले जाओगे या ब्रीज़ा पे चले जाओगे, या और कोई ऑप्शन आप चूज़ करोगे, फ्रॉन्क्स पे चले जाओगे, तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड वीडियो कैसी लगी ये भी बताना. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.